हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास एट स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 6, दैट इज डिविजिबिलिटी। तो इसके ऊपर, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 6 जो है नवनीत की बुक से, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे हमें तीन स्टेटमेंट दिए, ए बी सी, तीन स्टेटमेंट दिए और हमें इन तीन स्टेटमेंट को पढ़ के करेक्ट अल्टरनेटिव को हमें इसमें से चूज करना है। तो पहले स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट ए है, द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6 आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 एंड 3 ऑल्सो। तो ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल है वो 2 और 3 से भी डिविजिबल होती है। अब 6 की हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके पहले देखी है कि 6 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। जो 2 और 3 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब जो 6 से डिविजिबल है वो 2 और 3 से भी डिविजिबल रहेगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड है, द नंबर्स डिविजिबल बाय 15 आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 ऑल्सो। तो देखो, अगर 3 और 5 इनका अगर आप एलसीएम फाइंड करोगे तो 3 और 5 जो है को प्राइम नंबर्स है, या फिर प्राइम नंबर्स भी बोल सकते हो आप। तो को प्राइम नंबर्स हो या प्राइम नंबर्स हो, उनका जो एलसीएम है उनका प्रोडक्ट होता है। तो 3 5 15, अब 15 एलसीएम किसी दो नंबर का जो एलसीएम होता है उसके टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो उन दो नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि जो नंबर 15 से डिविजिबल है वो 3 और 5 से भी डिविजिबल रहेगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट सी क्या है, 600 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। अब देखो, 600 2 से डिविजिबल है क्योंकि 600 इवन नंबर है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल के लिए हम डिजिट की सम करते हैं, 6 प्लस 0 प्लस 0 6, ठीक है। और यूनिट प्लेस में 0 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल है। तो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमें जो चार ऑप्शन दिए इसमें से ऑप्शन हमें चूज करना है। ओनली ए इज़ करेक्ट, ये नहीं है। बी इज़ करेक्ट, ए भी नहीं है। सभी स्टेटमेंट करेक्ट है तो ओनली हम नहीं बोल सकते। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। तो इनमें से कौन सी नंबर 9 से डिविजिबल है ये हमें पूछा है। अब 9 से डिविजिबल है या नहीं इसके लिए हमें 9 की टेस्ट लगानी पड़ती है। और 9 की टेस्ट क्या होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो दिए गए नंबर्स के डिजिट्स को एडिशन करो और जो एडिशन है वो अगर 9 के टेबल में आती है इसका मतलब वो नंबर 9 से डिविजिबल रहेगी। अब इस नंबर में देखो डिजिट्स के एडिशन करो, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 6 27। तो इनकी जो डिजिट की एडिशन आ गई वो आ गई 27, ठीक है। तो ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये यही आंसर करेक्ट रहेगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 3 20, 20 और 3 23, ये नहीं है। 7 प्लस 5 12, प्लस 6 18, प्लस 3 21, प्लस 7 28, ये भी नहीं है। 9 के लेवल में 21 नहीं आते। 7 प्लस 5 12 18, 18 और 2 20 और 3 23, तो ये भी नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 700 to 800 आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो 700 से लेकर 800 तक कितने ऐसे इंटीजर्स है, नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है। अब देखो, 7 से डिविजिबल जैसे हम नंबर देखते हैं 1 to 100 में, 1 to 100 में 7 से कितने नंबर्स डिविजिबल होते हैं। सबसे पहले देखो, 7 1 7 से लेकर 7 10 70 तक 10 नंबर हो गए। फिर 11 7 77, 12 7 84, 13 7 91, 14 7 98, 15 7 105, तो 14 नंबर हो गए। तो 1 से लेकर 100 तक टोटल हो गए 14 नंबर, ठीक है। अब हमें पूछा है 700 to 800। अब देखो, 700 से लेकर 800 तक टोटल 100 नंबर होते हैं, है ना। तो यही से नंबर आगे बढ़ेंगे, 707 पहली नंबर, तो 700 डिविजिबल हो गई। फिर दूसरी होगी 707 होगी, फिर 714, तो वही नंबर आएंगे जो 7 के टेबल में होते हैं। तो 700 से 800 तक टोटल 14 नंबर डिविजिबल है और ये पहली 700 हमें काउंट करनी पड़ेंगी, तो टोटल हो गए 15 नंबर। तो टोटल 15 नंबर ऐसे है जो 700 टू 800 तक 7 से डिविजिबल रहेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऐसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे आपको अगर पूछा कि 800 टू 900
इनके बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 8 से डिविजिबल है, ये क्वेश्चन पूछा। तो आपको क्या करना है कि 8 का टेबल आपको पता है, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, ऐसे करते करते आप 8 टेन ज़ा 80 तक पहुँचेंगे। ये हो गए टोटल 10 नंबर। फिर 11 एट ज़ा 88, 11 एट ज़ा 88, 12 एट ज़ा 96 है ना, 13 एट ज़ा, 13 एट ज़ा तो यहाँ पर नहीं चलेगा, 104 होता है तो 100 से ऊपर जाता है, तो टोटल हो गए 12 नंबर। तो 100 से लेकर 900 तक टोटल 12 नंबर ऐसे हैं जो 8 से डिविजिबल है। और पहली जो नंबर है 800, ये भी 8 से डिविजिबल है, तो प्लस वन पहली नंबर करो तो टोटल हो जाएगी फिर 13 नंबर। तो इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर्स फाइंड करने होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो इनमें से कौन सी नंबर 7 से डिविजिबल है ये पूछा है। अब 7 से डिविजिबल है या नहीं है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 7 की टेस्ट लगानी पड़ती है। अब 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस के डिजिट की ट्वाइस करो, ठीक है, और फिर बाकी के नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो जो आंसर आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो दी गई नंबर 7 से डिविजिबल रहेगी। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है 8189, ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, उसके लिए 7 की टेस्ट लगा, यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 की डबल करो, 9 टू जै 18 होता, फिर रिमेनिंग नंबर है 818, उसमें से 18 को माइनस कर लो तो आंसर आ गया 800। अब 800 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन 7 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है 8918, अब इसमें यूनिट प्लेस में 8 है उसकी डबल करो, 8 टू जै 16 हो गया, बची हुई नंबर है 891, उसमें से आप 16 को माइनस कर लो, यहाँ 11 माइनस 6 हो गया 5, 9 माइनस 2 हो गया 7 और 8। अब 875 7 से डिविजिबल है या नहीं हमें पता नहीं, फिर से हम इसमें टेस्ट लगाएंगे, तो 7 की टेस्ट लगाई, यूनिट प्लेस में 5 है, 5 की डबल करो 10, तो 87 में से 10 माइनस कर लो तो आ गया 77, 77 इज डिविजिबल बाय 7, इसका मतलब 8918 जो ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यहाँ पे एक हमें रिलेशन दिया है, रिलेशन ऐसा है यहाँ पे कि एस्टरिस्क मार्क इक्वल टू सर्कल में डॉट है, प्लस है और वन है। तो क्वेश्चन क्या है, एज पर द कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट शू रिप्लेस एस्टरिस्क मार्क इन द नंबर दिस, तो नंबर हमें दिए है 3 एस्टरिस्क मार्क डॉट और 5, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे एस्टरिस्क मार्क और ये जो सर्कल में डॉट है इसको हमें रिमूव करना है डिजिट से, और डिजिट्स हमें ऑप्शंस में दिए हैं, तो इस तरह से ये नंबर बननी चाहिए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए इनकी जो एडिशन है, डिजिट्स की एडिशन, वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिलेशन देखो, एस्टरिस्क मार्क इक्वल टू सर्कल में डॉट प्लस 1, ये रिलेशन दिया है। अब इस रिलेशन में एक एक ऑप्शन अगर हम रखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ रखते हैं एस्टरिस्क मार्क की जगह अगर हम रखते हैं यहाँ पे 9 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ एस्टरिस्क मार्क यानी 9 हो जाएगा, तो 1 में कितना ऐड करोगे तो 9 होता है, तो 8, तो ये डॉट वाला जो है सर्कल डॉट इसका वैल्यू 8 आ जाएगी, तो फिर 3 प्लस 9 प्लस 8 हो जाएगा, 3 प्लस 9 12 प्लस 8 20 प्लस 5 25 हो जाएगा, तो 25 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी फिर हम 9 नहीं ले सकते एस्टरिस्क मार्क की जगह। अगर हम एस्टरिस्क मार्क की जगह 7 लेते हैं, ठीक है, तो फिर 7 इक्वल टू कितना प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 में कितना ऐड करोगे तो 7 आता, तो 6, तो ये जो सर्कल और जो डॉट है इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6, है ना। अब यहाँ पे नंबर को नहीं बनेंगे 3, एस्टरिस्क मार्क की जगह लेंगे 7, ये इसकी जगह लेंगे 6 और ये 5। अब इनके डिजिट्स के एडिशन करो, 7 प्लस 3 10, प्लस 6 16, प्लस 5 21, एंड 21 इज 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस्टरिस्क मार्क की जगह 7 चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे दो अल्टरनेटिव्स को चूज़ करना है। अब हमें सेकंड अल्टरनेटिव देखना है, तो थर्ड ऑप्शन लेते हैं 5,
अब अगर हम एस्टरिस्क मार्क की जगह 5 लेते हैं, है ना, रिलेशन क्या है हमारा, एस्टरिस्क मार्क इक्वल टू ये सर्कल में डॉट प्लस 1, ये रिलेशन है। अब मान लेते कि एस्टरिस्क मार्क 5 है तो आरएचएस में भी 5 होना चाहिए थे, 1 प्लस कितना यानी 5 होगा 4, तो ये सर्कल और डॉट वाले का आंसर आना चाहिए 4। अब देखो नंबर क्या बनेंगे, फिर ये 3, फिर है एस्टरिस्क मार्क की जगह लेंगे 5 और इसकी जगह लेंगे हम 4 और 1, ये नंबर बन जाएंगे। अब देखो इनके एडिशन 5 प्लस 3 8 प्लस 12 प्लस 1 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 5 यहाँ पे एस्टरिस्क मार्क की जगह नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन है 1 है ना, 1 लेके देखते हैं। अब रिलेशन वही है, तो एस्टरिस्क मार्क की जगह 1 लिया तो 1 प्लस कितना यानी 1 होता है, तो यहाँ पे 0, तो ये सर्कल और डॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब नंबर कौन सी बनी देखो, 3 एस्टरिस्क मार्क की जगह 1, ये इसकी जगह 0 और ये 5, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाती है, यानी जो ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 4 है दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन 10 में क्या दिया है, इफ पी इज एन ऑड नंबर, देखो पी ऑड नंबर है ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 11, पी ऑड नंबर है और वो 11 से डिविजिबल है, विच इज द सेकेंड नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर पी डिविजिबल बाय 11। अब देखो 11 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, पहले तो 11 है, फिर है 22, फिर है 33, फिर है 44, फिर है 55, इस तरह से नंबर्स 11 से डिविजिबल होते हैं। अब इन नंबर्स को गौर से देखो, पहली नंबर ऑड है, दूसरी इवन है, ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, ऑड इवन चलता है ना, तो ये पी अगर ऑड है तो उसके बाद वाली जो नंबर रहेंगे 11 से डिविजिबल वो इवन रहेगी ठीक है, तो वो नंबर हमें कैसी मिलती है, प्लस 11 करके, 11 से जो भी नंबर डिविजिबल है यहाँ पे हमने निकाले वो प्लस 11 करके आते हैं, तो पी प्लस 11 ये हो जाएगी 11 से डिविजिबल, लेकिन ये रहेंगी फिर इवन क्योंकि इसके पहले की ऑड थी। अब इस इवन के बाद ऑड आएगी तो प्लस 11 करके आएगी, तो पी प्लस 11 प्लस 11 करेंगे दैट इज इक्वल टू पी प्लस 22 हो जाएगा, और ये रहेगी फिर ऑड, और हमें फाइंड करनी है सेकंड नेक्स्ट ऑड, सेकंड ऑड करनी है, ये ऑड है ये इवन हो गई, ये पहली ऑड हो गई है ना, हमें सेकंड ऑड चाहिए, तो इसके बाद वाली इवन रहेगी, तो पी प्लस, अब देखो इस नंबर फिर 22 11 ऐड करेंगे, पी प्लस 22 प्लस 11 यानी पी प्लस 33 हो गई, ये रहेंगी इवन ठीक है, और इसके बाद वाली रहेंगी ऑड, तो पी प्लस 33 इसमें प्लस 11 करो तो पी प्लस 44 हो गई एंड दिस विल बी ऑड, हमें चाहिए थी सेकंड ऑड, देखो ये हो गई फर्स्ट ऑड, तो ये हो जाएगी फिर सेकंड ऑड यानी पी प्लस 44 इज करेक्ट आंसर, इसमें से ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी विल से क्वेश्चन नंबर 11, सेम डिजिट ऑकर्स इन द प्लेस ऑफ एस्टरिस्क मार्क इन द नंबर 950 एस्टरिस्क मार्क 2 एस्टरिस्क मार्क, ये हमें यहाँ पे नंबर दिए, तो नंबर कौन सी दिए, 950 एस्टरिस्क मार्क 2 एस्टरिस्क मार्क, ये नंबर यहाँ पे हमें दिए। आगे क्या बोला है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो फाइंड द डिजिट इन द प्लेस ऑफ एस्टरिस्क मार्क, तो एस्टरिस्क मार्क में कौन सा डिजिट आएगा ये हमें पूछा है, तो इसके लिए हमें चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। अब देखो एस्टरिस्क मार्क की जगह सेम डिजिट आता है, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वही डिजिट यहाँ पे 100 प्लेस में भी है। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो अब 11 की टेस्ट क्या होती है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, इसका आंसर अगर 0 आता है या 11 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाती है। सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या है, पहली प्लेस, तीसरी प्लेस, पांचवी प्लेस, कौन सी होगी फिर, 9 प्लस 0 प्लस 2, आंसर आ गया इसका 11। अब सम ऑफ इवन प्लेसेस देखो, 5 दूसरी प्लेस, चौथी प्लेस, छठवीं प्लेस, 5 प्लस एस्टरिस्क मार्क प्लस एस्टरिस्क मार्क, अब देखो इसका आंसर कितना था हमें पता नहीं। अब हम क्या करते हैं कि ऑड में से इवन को माइनस करते हैं, ऑड प्लेसेस की जो सम आती है उसमें से इवन प्लेसेस की सम को माइनस करते हैं, तो हम 11 में से 5 को पहले माइनस कर लो, 11 माइनस 5 किया तो 6 आया, इसका मतलब अब ये जो दो एस्टरिस्क मार्क है इनका आंसर 6 आना चाहिए ठीक है, तभी तो यहाँ 11 है, फिर यहाँ पे 11, 11 माइनस 11 0 हो जाएगा,
स्टेटिक मार्क की जगह अगर 6 आना चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा लेना पड़ेगा इसमें से, ये 3 लेना पड़ेगा, यानी ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 + 3 6 हो गया, 6 + 5 11, 3 की एडिशन हो जाएगी 11, और 11 माइनस अगर आप 11 करोगे तो 0 हो जाएगा, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज द करेक्ट आंसर।